Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी। आज विधानसभा उपचुनाव है कैंट का, ये जानते हैं उनसे कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के पास क्या तैयार है। सर, आज कैंट विधानसभा का उपचुनाव है, जिस तरीके से सारी पार्टियां नामांकन कर रही हैं, क्या कहना है बीजेपी को, किस तरीके की शानदार जीत यहाँ कैंट में मिलेगी? जनता चालू ट्रांसफार्मर से अपने आप को जोड़ना चाहेगी, उससे रोशनी भी मिलेगी, पंखा भी चलेगा और ट्यूबवेल भी चलेगा। फ्यूज ट्रांसफार्मर से कौन जोड़ेगा अपने आप? सर, जिस तरीके से विपक्ष अर्थव्यवस्था और फ्यूज ट्रांसफार्मर अर्थव्यवस्था और भी मुद्दों को जो मुद्दा बना रहे हैं, उनका कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्या कहना है? संपूर्ण विपक्ष एक तरीके से फ्यूज ट्रांसफार्मर है जी। फ्यूज ट्रांसफार्मर से कोई अपना तार नहीं जोड़ेगा, क्योंकि जानते हैं इससे ना बल्ब जलेगा, ना पंखा चलेगा, ना ट्यूबवेल चलेगा। मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी। सर, आज कैंट विधानसभा उपचुनाव है, बीजेपी की क्या तैयारियां और क्या लगता है इस उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन होगा? देखिए, प्रदेश में जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है और सभी सीटों पर हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सिख प्रत्याशी को उतारा है, पंजाबी समुदाय काफी अधिक मात्रा में है। देखिए, ये हर पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो किसको उतारती है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम किसी एक जाति एक वर्ग की बात नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी, जिनका कहना है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वो किसी एक जाति एक धर्म या एक बिरादरी में विश्वास नहीं रखते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही बीजेपी का नारा है। राजकुमार के साथ मैं धर्मरस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए।